नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में भाजपा नेताओं ने देश की राजधानी नई दिल्ली में हिंदुओं के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव दिए जाने के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में कई कोचिंग सेंटर विद्यालय का नाम हिंदू धर्म व अनुसार रखकर मुस्लिम युवकों द्वारा अपना नाम हिंदू बताकर हिंदू धर्म के छोटे छोटे बच्चे, जिसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है, केवल शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से पहली बार विद्यालय जाते हैं, वहां पर कुरान खरीदकर उनके अनुसार आचरण करने का दबाव बनाया जा रहा है और हिंदू धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी करके देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। जब हिंदू धर्म के बच्चे कुरात लेकर नहीं जाते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ऐसी शिकायत जब हिंदू धर्म के बच्चे अपने अभिभावकों को बताए तब इस तथ्य का खुलासा हुआ कि किस प्रकार हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हम मान करते हैं कि देश में जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनकी गहनता से जांच कर वास्तविकता का पता लगाकर कार्रवाई की जाए। देश में चल रहे हिंदू विरोधी ताकतों को रोका जाना अति आवश्यक है। वहीं उन्होंने कहा कि महामहिम से निवेदन है कि नई दिल्ली सहित देश के तमाम कोचिंग सेंटरों एवं विद्यालयों की जाँच कर ऐसे कृत करने वालों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे कोई अराजक तत्व तो इस प्रकार का कृत्य करने की हिम्मत न कर सके। क्या कुछ कहा है भाजपा नेताओं ने? देखिए, आज मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि हिंदू समाज जो सोया हुआ है और कितना बड़ा अंतरराष्ट्रीय कहा जाए कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चला जा रहा है कि जो बच्चे अभी ABCD और कख गग पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे धर्म परिवर्तन कोचिंग में कराया जा रहा है। मैं आज देखा हूँ कि दिल्ली में ये कोचिंग सेंटर जो हिंदू के नाम पे रखी गई है और जितने टीचर हैं वो सब मुस्लिम हैं, केवल हिंदू का नाम रख करके वहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से कहा जा रहा है कि ये देवी देवता जो हैं इनको अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है कि ये सही नहीं है, हमारे अल्लाह सही है, हमारा कुरान सही है, आपकी संस्कृति गलत है। ये सब जो बयान और जिस तरीके से वो बच्चे रो रो करके चैनलों पे बयान दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कह दूँ, मुझे कहने में संकोच नहीं कि सिर्फ सदन में मनोहर राहुल गांधी जी ने अपमान किया हिंदुओं का, पर तो ये जितनी हिंदू विरोधी ताकतें हैं सब आप देख लीजिए कि आज हमारे सेना पे किस तरीके से हमला हुआ है। ये कहीं न कहीं आतंकवादी विरोधी जो कार्य होना बंद हो गया था उसको फिर ये हिंदी गठबंधन जो है इनके स्तर पर चलाया जा रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जो जितने भी देश में कोचिंग सेंटर हैं उसको जांच करके तत्काल जो ऐसा कृत करता है उन पे NSA लगा करके उनकी कोचिंग बंद करके उन लोगों को जेल भेजना चाहिए, नहीं तो हम हिंदू समाज चुप नहीं बैठेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।